किसी पुराने जमाने में राजा भोग नामक एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ज्यादा प्रचलित था क्योंकि उसे बुद्धि के जैसे राज्य से लेकर दूसरे राज्य तथा देश प्रदेश तक फैला हुआ था। राजा भोज अपनी जनता से बहुत ज्यादा स्नेह करती है। आप ऐसा मान सकते हैं कि वह अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार रखा करता था। तेज तर्रार और शक्तिशाली तथा बुद्धि से भी उतना ही शक्तिशाली होता था, क्योंकि राजा भोज एक बहुत ही अच्छे मानसिकता और नेक दिल इंसान का राजा था। उसी जमाने में प्रजा उसको देवता की तरह पूजा जाता था और राजा से प्यार किया जाता था। राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए कभी कभी महल से बाहर जाया करता था। वह हमेशा से ही अपनी माँ से बाहर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रात में भेष बदलकर इधर उधर घूमा करता था। एक दिन की बात है, राजा जब अपनी भेष बदलकर राज्य में इधर उधर घूम रहे थे, तभी अचानक एक झोपड़ी से आवाज सुनाई देती है। उस झोपड़ी में एक छोटा सा चिराग जला होता है। राजा उसे जो पड़ेगी और नजदीक सुना जाता है बातें सुनने के लिए। उस घर में एक ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, हुआ जान फिर नहीं सकती थी। इसी कारण से वह चाहती चाहता था कि राजा के पास जाएं और अपने लिए कुछ दान की व्यवस्था करें ताकि उनकी जिंदगी का गुजारा हो सके। अगली सुबह में ठीक है ऐसा ही कहता है। वह राजा के दरबार में जाता है और कहता है कि मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, मेरा बेटा बेटी कोई नहीं इस दुनिया में, मैं सबसे अकेला हूं, अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूं, कृपया करके मुझ पर दया कर मुझे कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं ताकि नई जिंदगी आसान हो सके। मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूं, अब मैं कहां से काम करूंगा, कहां से अपने परिवार की खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। राजा को उस पर दया जाता है और वह उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए 100 सोने के सिक्के दे देता है। बूढ़ा ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर जाता है और वह 100 सोने के सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख देता है। लेकिन जो सुबह उनकी आंख होती है तो होगा देखता है कि उसकी संदूक में एक भी पैसे नहीं है। वाह, यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि सामने ही उसने 100 सोने के सिक्के अपनी संदूक में रखे थे, लेकिन सुबह होने तक उसके संदूक में एक भी पैसा नहीं था। अगली सुबह वही ब्राह्मण फिर राजा के दरबार में पेश होता है और जब वह सारी बात बताता है, ने राजा को फिर उस पर तरस आ जाता है। राजा फिर आदेश देता है अपने मंत्रियों को कि इस बूढ़े ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दिए जाएं। राजा का हुक्म का पालन होता है और उनके मंत्री उस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दे देते हैं। अगली बार जब वह अपने घर जाता है, अपने पास पैसा रहता है और फिर सो जाता है। जैसे ही शुरू होती है, फिर से ब्राह्मण मान दिखता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो नहीं रहा हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक और सोने के सिक्के थे, उनकी जिंदगी आसान से गुजर सकती थी, लेकिन पता नहीं रात भर में कहां चल जाता था। तीसरी बार जब ब्राह्मण पैसे लेकर गया तो राजा भोज उस दिन सोचा कि आज मैं रात में अपनी फेस बदलकर इसके घर के नजदीक जाऊंगा, देखता हूं रात भर में इनके पैसे कौन लेकर जाता है। वह रात में ऐसा ही कहता है। वह अपना भेष बदलकर बुरा बुरा मान के घर के नजदीक चला जाता है और वहीं बैठ जाता है। रात भर तो किसी भी प्रकार का कोई हरकत नहीं हुआ था, लेकिन रात की तीसरे पहर में एक आदमी आता है और राजा के पैसे को उस बूढ़ा ब्राह्मण धीमान कर ले जाता है। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसे घर 100 सिक्के लेने के लिए आया था, वह बिल्कुल भी राजा के जैसा ही प्यारा जाकर डुप्लीकेट था। मेरा यहां कहने का मतलब यह है कि यह आदमी ब्राह्मण के घर से पैसे लेकर ज्यादा था, वह बिल्कुल राजा की तरह दिखता था। राजा उस व्यक्ति को रोककर पूछता है कि इस बुढ़े ब्राह्मण से क्या दिक्कत है जो तुम हर रोज इनके पैसे को लेकर चला जाता है। तभी वह व्यक्ति कहता है कि यह जो निर्धनता गुजर रहा है, इन पर यह उसकी पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, और बाद में कोई भी इसे दान देकर इसे अमीर नहीं बना सकता है, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, और इन्होंने अपनी भी जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया
कि इसके बदले में से इस जन्म में इस तरह गरीब बनाकर भेजा गया है। आप चाहकर भी इसके भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को अपने किए गए पिछले कर्मों का फल तो उन्हीं को भुगतना होगा। उसके बाद राजा कहता है कि नहीं, माफ कर दो, अगर रिया हो तो इसके बदले में तुम मुझे सदा सजा दे दो जो सजा देना चाहते हो। तभी वह व्यक्ति रहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है बाद में उसे वैसा ही फल मिलता है। इसे ही नहीं करनी इन्होंने किया है, फनी नहीं भी मिलेगा। बात अगर सजा की है तो आपको भी आपके पिछले कर्मों की फल जरूर मिले, और आपने जो भी मिले जन्म में कार्य किया होंगे उनके बदले इस जन्म में सभी हिसाब किताब बराबर होंगे। एक बार की बात है, हर आज आपने हनुका सदा सिपाहियों के साथ साथ ने कुछ मंत्रियों के साथ शिकार पर निकलता है। शिकार पर निकालने के बाद राजा को कहीं दूर एक जानवर दिखाई देता है। जल्दीबाजी में वह बिना मंत्री तथा नौकर को बताए ही अलग रास्तों से कहीं दूर निकल जा पड़ता है। चलते चलते राजा को उसकी सीमा का अंत तक पहुंच जाता है। साथ ही वहां एक गहरी खाई दिखाई देती है। फिर उसके बाद राजा बेहोश हो जाता है और महज एक दिन बाद उसका हो जाता है। राजा को जब होश आता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि राजा एक जगह एक बिस्तर पर लेटे हुए था, उनका मरहम पट्टी हो गया था और उनके पास पानी तथा दवाई का कुछ डब्बा रखा था जिसे कोई आदमी उसे खिलाने लगा था। वह आदमी एक गंगू तेली था जिन्होंने राजा को चौराहे पर से उठाकर अपने घर ले आया था और उन्हें अच्छी तरह से खिदमत किया था। राजा को गंगू तेली पर बहुत ज्यादा विश्वास हुआ और वह उनको बचाने वाला देवता मानने लगा था। उनकी जान बचाने की कीमत बहुत ज्यादा है और वह एक राजा है, लेकिन वह कभी भी अपने असली गुणों का पता गंगू तेली को नहीं चलने दिया था। नहीं गंगू तेली को पता था कि वह राजा भोज है। राजा को गंगू तेली जो भी काम दिया करता था, राजा बखूबी उन्हें मानकर उनका आदर करके उनका काम किया करता था। आपको बता दें कि राजा आपने निशा और अपने विश्वास तथा ईमानदारी के साथ बहुत ज्यादा पवित्र मन था। वह उनकी जान बचाने वाली गंगू तेली का कभी भी अपमान नहीं किया था, तथा साथ ही राजा भोज यह चाहता था कि अंततः उन्हें राजा भोज के बारे में पता ना चले। आपको बता दें, किसी राजा ना वहीं पर रहने लगा था और उनका काम किया करता था। वह मन ही मन कुछ गाता गुनगुनाता रहता था जिसे सुनकर बहुत ज्यादा मन प्रसिद्ध हो जाता था। राजा का गाना सुनकर आसपास के लोग भी राजा के गाना सुनने के लिए गंगू तेली के द्वार पर आ जाता राजा का गुणगान सुनते से। राजा का यह गुणगान का अच्छा खासा प्रसिद्धि के कारण गंगू तेली अपने बचाए गए आदमी पर, मतलबी राजा भोज पर, बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा था, क्योंकि उसकी गायकी इतना खास था कि किसी का भी मन मुक्त हो जाता था। एक दिन वहां के राजा के द्वारा पूरे शहर में पूरे राज्य में जाएगा ना होता है कि राजदरबार में गायों को की जरूरत है। जिसे भी गायकी की पसंद है, जो भी गायक का काम करता है, वह सभी राजदरबार में पेश होकर अपना अपना कर्तव्य दिखाए। यह समाचार सुनते हैं गंगू तेली राजा भोज को उस गायकी की परीक्षा देने के लिए ले जाने का आश्वासन अपने आप को दे देते हैं। कुछ ही दिन बीत जाने के बाद जब वे कार्यक्रम चालू होने वाले थे, तभी गंगू तेली राजा भोज को लेकर वहां के राजा के दरबार में पेश होता है। वहां सभी प्रकार के गायक के गायकी की परीक्षा ले जाती है, लेकिन किसी भी गायक को राजकुमारी के द्वारा पसंद नहीं किया गया था। फिर राजा की तरफ से आया आवाज आता है कि है किसी में हिम्मत तो मेरी बिटिया कुमारी को अपनी गायकी से खुश करके दिखाओ, मैं उसकी शादी राजकुमारी से करवा दूंगा। बारी बारी सभी लोग जाते हैं और गायकी में फेल होकर आते हैं। अंत में बारी राजा भोज की आती है। वह जब जाते हैं गाते हैं तो सभी लोगों का मन बहुत हो जाता है और सभी लोग उनकी गायकी में डूब जाते हैं। तभी राजकुमारी द्वारा राजा गोश्त को गायकी के लिए पसंद कर लिया जाता है। लेकिन फिर राजा का सवाल होता है कि क्या तुम एक राजा हो? अगर तुम्हें एक राजकुमार होगी तभी तो मेरी राजकुमारी से शादी कर पाओगे। राजा भोज जब खुले बदन गाना गा रहा था तो लोगों ने देखा कि उनकी लंबी चौड़ी पीठ सदा हाथ में एकदम तलवार के छाले पड़े हुए हैं। सभी लोगों ने सोचा कि यह एक राजा हो सकता है,
या राजा राजकुमार के भेष में कोई राजा ही है जिसके गायक कितनी ज्यादा बहुत मधुर है। उसके बाद राजा ने राजा भोज को एक जगह पर बैठाया और अपनी सभी विद्वानों को कहा कि इसका अंदाजा लगाओ। सही सही किया, यह एक राजकुमार है। सभी लोगों ने एक एक करके देखा और सभी ने बताया कि जी हाँ, इसकी पहचान तो एक नाचूमार के रूप में होती है। तभी राजभोज ने भी अपनी सही सही बात बता दिया और राजा को खड़ा कर दिया। मैं राजकुमार हूँ और मेरा बगल वाला राज हमारा है। मैं किसी कारणवश आपके राज्य में आ गया था और आपके सैनिक ने मुझे मार पीट कर चौराहे पर फेंक दिया था। फिर मुझे इस गंगू तेली ने उठाकर सही किया और मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखना, मैं इनका हमेशा कर्जदार रहूंगा।